हाय, हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कैसे आप अपना जो पीएफ और ईपीएफओ का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड, उसका जो बैलेंस और पासबुक कैसे चेक करेंगे, और आपका खाते में कितना बैलेंस है वो कैसे चेक करेंगे। चलिए वही डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको जो करना होगा, गूगल में सर्च करिए ईपीएफओ लॉगिन या ईपीएफओ लॉगिन पासबुक। करने के बाद आपको जो पहले वाला जो लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करें। लिंक में क्लिक करने के बाद आपको आपका जो यूएएन नंबर है, यूएएन नंबर को आपको डालना होगा। फिर उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालिए, जो ईपीएफओ का जो पासवर्ड है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, अभी ट्राई कर सकते हैं। और आपका बैलेंस में कितना अमाउंट है आप वो चेक कर सकते हैं। अब अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड देने के बाद आपको कैप्चा डालना होगा। फिर उसके बाद आप प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद आपको ऐसे एक इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आप अपना जो अपना लेटेस्ट जो मेंबर आईडी है, आप जहाँ पे फिलहाल काम कर रहे हैं उस वहाँ पे आपका मेंबर आईडी आपको दिखेगा यहाँ पे। करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू पासवर्ड का एक ऑप्शन है, व्यू क्लेम स्टेटस और व्यू पासबुक ओल्ड एंड फुल। तो चलिए यहाँ पे आप अपना ईयरली वाइज आपका जो जो ईयरली वाइज जो आपका बैलेंस जितना जमा हुआ है तो वहाँ पे आपको बैलेंस दिखाएगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पेंशन कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलिंग और फाइनल क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो आपको ये ईयर वाइज डेटा मिल जाएगा यहाँ से। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, ऐसे ही आप अपना चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप डाउनलोड पासबुक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं फॉर बैकअप पर्पस। तो यही आपका है ईपीएफओ का बैलेंस चेक करने का प्रोसेस। होपफुली आपको ये बहुत ही इजी लगा, अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।